अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुक बुक विद अमर। आज हम बनाने वाले हैं विंटर के हिसाब से हॉट एंड सॉर चिकन कॉर्न सूप। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले देखने मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दीजिए। पहले हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। उसके लिए वाटर लेंगे 6 कप्स, देन इसमें ऐड करेंगे चिकन बोनलेस 250 ग्राम्स, ये मैंने बाइट साइज में कट कर ली थी। चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, एंड ये मैंने फ्रेश कॉर्न लिए हैं 1/2 कप। आप चाहें तो फ्रोजन भी यूज कर सकते हैं। मिक्स करेंगे इसको, देन हम इसको कवर करके कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे 15 to 20 मिनट्स के लिए। 15 मिनट्स के बाद इसको ओपन कर लेंगे। यखनी हमारी रेडी है, कॉर्न्स भी जो है वो कुक हो गए थे और चिकन भी टेंडर हो गई थी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून, विनेगर 1 टेबलस्पून, हॉट सॉस 2 टेबलस्पून, चिली गार्लिक सॉस 3 टेबलस्पून। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस ना हो तो आप टोमेटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कैरेट 1/2 कप, इसको मैंने क्यूब्स में छोटा छोटा कट कर लिया था। कैबेज 1/2 कप, स्प्रिंग अनियन लेंगे 1/4 कप। मिक्स करेंगे और हम इसको कुक करेंगे 4 to 5 मिनट्स के लिए, ताकि जो हमने वेजिटेबल्स डाली हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं, कुक हो जाएं। अब एक बाउल में हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और उसके साथ ही ऐड करेंगे 1/3 कप वाटर। इसको मिक्स करेंगे। अब इसको हम स्लो स्लो करके सूप में डालेंगे और साथ साथ हिलाते रहेंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। आप सॉल्ट ऐड करने से पहले टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि सोया सॉस वगैरह में भी सॉल्ट होता है, तो आप टेस्ट करके अपने हिसाब से इसमें सॉल्ट ऐड कर दीजिएगा। 2 eggs लेंगे, एग वाइट यूज करना है, हमने उसकी जर्दी यूज नहीं करना। इसको भी हम स्लो स्लो करके डालेंगे और साथ साथ हिलाते रहेंगे। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। सूप हमारा रेडी है, तो चलें आप इसको सर्व करते हैं। डिलीशियस हॉट एंड सॉर चिकन कॉर्न सूप रेडी है। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।